खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर दिग्विजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला सामने आया। देश के हालात ठीक नहीं है, ये बात कही है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। ईडी आईटी सीबीआई बीजेपी के लिए हथियार है, ये बात कहते नजर आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, और उन्होंने कहा कि ईडी आईटी सीबीआई बीजेपी के हथियार हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों का बड़ा दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, देश के हालात ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी की यात्रा पूरे देश में जिस प्रकार के हालात आज हैं, अन्याय अत्याचार, जो शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों को मजदूरों के खिलाफ के साथ अन्याय हो रहा है, इस पूरे देश में जो अन्याय अत्याचार का माहौल मौजूदा सरकार के वातावरण में बना हुआ है, उनके कर्मों से बना हुआ है, जहां वो जो उनके साथ नहीं है उसको वो प्रताड़ित कर रहे हैं, तो है हथियार उनके लिए, ईडी आईटी सीबीआई उनके लिए राजनीतिक हथियार है, ईवीएम उनके लिए राजनीतिक हथियार है, धर्मांधता उनके लिए हथियार है राजनीतिक।